क्या रोजगार चल रहा, नागे बराबर चल रहा, डले ढो रहे हैं, पैसे भी बनाने भारी हो जाओ, सब मजदूर तबका पे। हम हलवाई का काम कर रहे हैं, क्या जब काम चले जब ही खत्म हो जाए भैया, क्या करें, जब ये काम सीजन चलेगा, जब लॉकडाउन लगा देगा। 100 नंबर के 112 कर दिया, उससे कुछ उससे दिक्कत बढ़ेगी या फायदा होगा? उससे हमें ना तो हमें कुछ फायदा होगा ना हमें नुकसान होगा। लेकिन सरकार ने हमारे लिए क्या करा, 100 नंबर की जगह एक और 109 नंबर जरूर, कोई और सुविधा चलाती, नई गाड़ियाँ देती, जैसे कि 100 नंबर का फायदा है, अब हर 5 मिनट में गाड़ी आ जाती है, अगर कोई किसी को दिक्कत होती है तो अखिलेश ने चलाई थी। तो बहुत से लोगों को तो याद नहीं रहेगा, नया नंबर पहुंचेगा नहीं, लोगों को सब याद है, लोगों को ये भी याद है कि हमने कैसे कैसे इन्हें जिताया था, लोगों को ये भी याद है कि कैसे कैसे हराना है, लोग नहीं भूलते, ये इनकी भूल है। तो हम इस वक्त पूठ में हैं, ये पूठ जगह है और यहाँ भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम प्रदीप है जी। प्रदीप कहाँ से हैं आप? मैं यहीं के पास के गांव अमानुल्लापुर से हूँ जी। अमानुल्लापुर, हाँ जी। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ किसानों की महापंचायत हुई चंद दिन पहले, उसके बाद कुछ नज़रिए में तब्दीली आई है या अभी भी किसान जो है जो सोच रहा है वो सही सिमत में है, आप लोग किस तरीके से देखते हैं उस पूरी चीज़? देखिए जी, नज़रिए में तो तब्दीली यहाँ पे है, जैसे कि मैंने बताया है, गन्ने का किसी क्षेत्र है, किसान तो है यहाँ पे, किसान और मज़दूर जुड़े हुए हैं दोनों ही, और पिछले 4.5 साल तक गन्ने का कोई भाव नहीं बढ़ा, तो इसी वजह से मज़दूर की भी उस औसत पे हम मज़दूरी नहीं बढ़ा पाया किसान जिस पर बढ़नी चाहिए थी, तो किसान और मज़दूर दोनों का नुकसान है। दूसरी बात यह है कि जिस दिन से किसान आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन से यहाँ के बहुत आए थे, मतलब कि ज़्यादातर लोग उसके समर्थन में हैं, क्योंकि देखिए वे जो मांग है वो मांग सीधा सीधा गरीब व्यक्ति को भी एक तरीके से इफेक्ट करती हैं, किसान तो है ही, क्योंकि देखिए जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसमें क्या है कि भंडारण सीमा, कोई भंडारण की सीमा नहीं होगी, भंडारण कौन करेगा, जिसके पास पैसा होगा। जमाखोरी बढ़ जाएगी, जमाखोरी बढ़ेगी, जमाखोरी का सीधा सीधा असर क्या होगा कि भाई मैं तो 20 रुपये पे लूँगा और मैं तो 50 रुपये दोगे तो दूंगा, अब उसमें मजदूर भी लेगा 50 में ही, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो रख लेगा सामान। आजकल बहुत बड़े पोस्टर लगे हुए हैं पेट्रोल पंप पे कि भाई मोदी जी ने ये जो है अन्न योजना के तहत फ्री में अनाज दे रहे हैं, लेकिन ये तभी तक तो फ्री में दे रहे हैं जब हमसे ये ले रहे हैं। एक बात बताइए, जब इनके प्राइवेट जो साथी हैं वो भंडारण कर लेंगे तो फिर ये इन गरीब किसानों, गरीब व्यक्ति को भी कैसे दे पाएंगे? या तो ये क्या नाम है, इनसे इन्हें कहेंगे कि अब हम तुम्हें कम देंगे, 5 किलो की जगह एक किलो अनाज देंगे, क्यों आज जो 20 रुपये में खरीद रहे हैं 5 किलो मान लो सरकार अपनी तरफ से देकर खरीद रही है, ये कहेंगे कि अब 1 किलो अरब हम तो वो देंगे। तो सीधा सीधा इसमें समझने वाली बात यह है कि किसान जो हैं वहाँ पर वही लोग नहीं हैं जिनके पास ज़मीन है, उनके साथ में बहुत बड़ा तबका मजदूरों का भी है और बहुत बड़ी जनता है। आप देखोगे मुजफ्फरनगर में बहुत ही बड़ी तादाद में व्यक्ति गया जिसकी कि कोई अनुमान नहीं है, 10 लाख 15 लाख, और यहाँ से ये कहते हैं कि बहुत छोटे से इलाके से हैं, बहुत छोटे से इलाके, पूरे देश के लोग थे वहाँ, मलयालम में, वहाँ तेलुगू में, हर भाषा में भाषण हुए, तो इसका बहुत सब जगह से लोग पहुँचे थे हमारे इलाके में, तो बहुत ही बड़ा इसका वो है। अगर सरकार ये सरकार जल्दी नहीं सिमड़ी तो जी इस बार इस सरकार को जाना पड़ेगा, हारना पड़ेगा। इनका वो जो मुद्दा हिंदू मुस्लिम वाला या फिर इनका राम मंदिर वाले, वो मुझे एक बात और, आप काफ़ी समझदारी से बात रख रहे हैं, पंचायत में हिंदुओं के नारे भी लगाए गए, मुसलमानों के भी नारे लगाए गए, तो ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ तुष्टिकरण टाइप में, राजनीति टाइप में कुछ कर रहे हैं? बताऊंगा वो क्या है, नहीं मैं ऐसे बोलूँगा, 2013 में हमारे यहाँ पे मेन जहाँ पे पंचायत मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, और वो दंगा हुआ हिंदू मुस्लिम का, तो साथ में अगर क्या नाम है किसान आंदोलन के चलते हुए अगर हमारे जो मतलब मनों में गंद मतलब मैल है वो भी दूर हो जाए तो वो कोई गलत बात नहीं है। अगर एक पंच से दोनों ही नारे लगते हैं हिंदी हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के तो वो भी ठीक है। सही। सरकार को अपना क्या नाम है मजबूती से अपना एक तंत्र बनाना चाहिए, अगर कोई मान लो कल को ये कहते हैं कि भाई अगर दूसरी सरकार ही तो इसी देश के लोग हैं, दोनों ही समुदाय, अगर कल को वो सरकार आ जाएगी तो ये अपनी मजबूती रखो, आप कानून उसी तरीके से चलाओ, इस तरीके से आप वोट लो उससे वो तो गलत है। आप कुछ कह रहे थे कि किसान तो किसान है, क्या कह रहे थे? मेरा कहने का मतलब ये है, मतलब चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई भी, जो किसान है वो तो सम्मेलन में सभी शामिल हैं। अच्छा, मैं कह रहा था कि किसान पंचायत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, जो लगातार इधर उधर पंचायत हो रही है, ठीक कर रहे हैं, वे अपनी मांग लेकर काट रहे हैं, तो मांग माननी चाहिए गवर्नमेंट को, क्यों नहीं, उनके साथ और अत्याचार हो रहा है, पर कभी पानी की बौछार चला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। आप भी जाते हैं क्या जो पंचायत वगैरह होती है सब में? मैं दिल्ली भी गया कई बार। अच्छा, हा? आप किसान हैं, आप क्या करते हैं? किसान है, मजदूरी भी करता हूँ, किसान भी हूँ।
जो गाड़ी घड़िया सब्जी बेचता हूँ रोज, रोजगार तो सब ठप हो चुके, रोजगार तो है ही नहीं। आपका आपके किस चीज की है? सब्जी की गाड़ी भरी घड़ी है, सब्जी बेचता हूँ। तो सब्जी आप बेचते तो आपका तो अपना चल ही रहा होगा ना रोजगार? क्या रोजगार चल रहा, ना के बराबर चल रहा, डले ढोरे पैसे भी बनाने भारी हो जाए। सब मजदूर सबका हम हलवाई का काम कर रहे हैं, क्या जब काम चले जब ही खत्म हो जाए भैया, क्या करें? जब ये काम सीजन चलेगा, जब लॉकडाउन लगा देगा क्या? ये सीजन कोरोना बना दिया बीमारी, यहाँ पर ये नहर है, यहाँ पर किसे नजला जुकाम नहीं बनेगा ये बताओ आप? ठीक, नजला जुकाम तो सबको बनेगा कि कोरोना दिखा दिया, ये होगा काम चले हलवाई के बंद हो गए, साले हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो क्या करे सरकार को वोट देगा? आप कुछ कहेंगे? तो बहरहाल यहाँ पे लगभग क्या कुछ कह रहे हैं बस, और क्या कहना। चुनाव के बारे में क्या ख्याल है, सरकार जो है लौटेगी या अगर मान ले? बारे में दुनिया को वोट दे देंगे, भाजपा को वोट नहीं दे, और बताओ क्या कहे, इसे वोट नहीं दे ना युवा ने। इतनी सारी बहुमत में सरकार है उनकी, इतनी सारी सीटें में, बहुमत भी तो हमारे से ही बनेगा, जनता से तो बनेगा बहुमत, या उनसे बनेगा नो बताओ? जब हम वोट ही ना देंगे तो बहुमत काएगा बनेगा? प्रधान बना ना, प्रधानमंत्री बना, गरीब तुर्गा आदमी होना था प्रधानमंत्री, प्रधान भी जो गरीब आदमी है, सब गरीब जनता। आप सुनो, हमें 2 साल हो लिए, मेरे पास में कम से 25 आदमी काम करते हैं, हम भी मजदूर आदमी है, जब हमारे काम ये ठप हो चुके हैं तो मजदूर आदमी कैसे बोलेगा बेचारा, बताओ क्या काम है जी आपका? हमारा टेंट का हलवाई का काम था जी बाबू जी, 2 साल में हमारी जो सरकार जो आई है कोरोना लेकर जो आई थी, मतलब जो भी लहर चली थी, ये हमारे काम पूरे सब उठा। सरकार की क्या दोष? नहीं, गलती सरकार की नहीं है, लेकिन ये बताओ काम ही ठप, मजदूर आदमी कहाँ जाएगा? जब किसान के पास में पैसा होगा तो मजदूर के पास में पैसा होगा, जब किसानों को सुनो भाई, किसानों का जो तुम्हारे इनका बिल है सर माफ करवा दो, माफ कुछ नहीं चाहता। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि जो जैसे मंदी आई है भाई कोरोना की वजह से आई है, तो सरकार की इसमें तो गलती नहीं है? सरकार को गलती नहीं है, सरकार की गलती है, सरकार की गलती उस समय है नहीं, हम बताएंगे ना। जैसे कि कोरोना आया, विपत्ति आई जनता पे, तो ये बिजली के बिल बराबर ले रहे हैं, ये किस्त बराबर ले रहे हैं, उन्हें घटाओ ना भाई। जैसे 3 महीने कोरोना है तो तुम 3 महीने बिजली के बिल क्यों ले रहे हो? ये घर आके कनेक्शन काट देते हैं, कनेक्शन जोड़ने की जमाखोरी लेते हैं फिर दोबारा, तो ये तो जमाखोरी चल रही है। आपका तंत्र खराब है, राजतंत्र कहाँ है? राजतंत्र नहीं है, ना रामराज आया, नहीं रामराज आया इनके राज में, ना ही इनके नाम में रामराज आया। 100 नंबर का 112 नंबर करना, शहरों के नाम बदलना, यही इनका काम है और इससे काम नहीं चलने वाला। 100 नंबर के 112 कर दिया, उससे कुछ उससे दिक्कत बढ़ेगी या फायदा होगा? उससे हमें ना तो हमें कुछ फायदा होगा ना हमें नुकसान होगा, लेकिन सरकार ने हमारे लिए क्या करा, 100 नंबर की जगह 109 नंबर जरा कोई और ही सुविधा चलाती, नई गाड़ियाँ देती, जैसे कि 100 नंबर का फायदा है, अब हर 5 मिनट में गाड़ी आ जाती है, अगर किसी को दिक्कत होती है तो अखिलेश ने चलाई थी। तो बहुत से लोगों को तो याद नहीं रहेगा, नया नंबर तो पहुंचेगा नहीं, नहीं लोगों को सब याद है, लोगों को ये भी याद है कि हमने कैसे कैसे इन्हें जिताया था, लोगों को ये भी याद है कि कैसे कैसे हराना है, लोग नहीं भूलते, ये इनकी भूल है, लोग तो इन्हें याद दिला देंगे 6 महीने बाद सब कुछ। आप कह रहे थे कुछ ये कि सरकार की गलती नहीं है, फिर बुजुर्ग से आपकी बहस भी हुई, तो उस टाइम हम दूसरी जगह थे, आप बताइए क्या कह रहे हैं? देखो हमारी सरकार को कोई गलती नहीं है, बेचारे गरीबों का पेट पाल लिया है, इसे कोई दिक्कत नहीं, सिलेंडर फ्री दिए, अन्नदाता बंड है, 1 महीने 2 महीने मिलता है राशन, हम करें ना करें, लेकिन हमारे घर तो हमारे बच्चे पता पड़े। सरकार को सहूलियत दे सकती थी ना, जैसे वो कह रहे हैं, इनकी गलत बात है भैया। वेटनरी डॉक्टर हैं हम। अच्छा, सरकारी है? प्राइवेट है। तो आप तो घर घर गाँव गाँव जाते ही हैं, किस तरह का रुझान आप देख रहे हैं चुनाव को लेकर? बुरा हाल है पब्लिक का, बुरा हाल, पैसे नहीं है पब्लिक पे, आधे पैसे दे आधे देते नहीं। गांव में जब जाते हैं आप इलाज करते हैं, उसके बाद पैसे नहीं देते लोग? आधे पे पैसे है नहीं, आधे पे है बेचारों पे। जनता पे, जनता पे पैसे नहीं, कहाँ से देगी बेचारी? काम तो बराबर कर रहे होंगे ना आप जाके, ऐसा तो नहीं काम भी अधूरा छोड़ के जाते हैं ना? काम तो करेंगे, वैसे बीमार देखने पड़ेंगे, काम तो अपना करना ही पड़ेगा ना रेगुलर। आप गाँव गाँव जाते हैं, देखते होंगे किसान पंचायत लगातार कर रहे हैं, 2-4 दिन पहले भी एक बड़ी पंचायत हुई मुजफ्फरनगर में, उसका असर है पूरा? हाँ, और बहुत ज़्यादा असर है भाई, चुनाव भी असर पड़ा। हाँ, आपका तो भाजपा वालों का झंडे उठा दिया दिखा है, मुझे लगा इन्होंने भाजपा वालों की टांग उठा देंगे भाजपा वालों की, बगैर किसान का डॉग लग रहा, किसान वर्ग में बहुत ज़्यादा नाराजगी है।
तो यहाँ पे सारे व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, कोई किसी का टेंट का काम है, किसी का हलवाई का काम है, कोई सब्जी बेचता है, तमाम व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है सरकार के ख़िलाफ़ हैं और किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। आगे भी हम इस ज़िले से लोगों को से रूबरू कराएंगे आपको, और उनकी क्या राय है वो आप तक पहुँचाएँगे। आप मिलर टाइम्स देखते रहें। मिलर टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें, हर महीने सिर्फ 100 रुपये और एक साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।